और यहां आपको बताएं कि न्यूज वन ने एक बार फिर सच सामने लाने की रिवायत बरकरार रखी और प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद में सीनियर तजियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक खबर का हवाला दिया जिसमें बताया गया कि वजीर आजम नवाज शरीफ पनामा केस के फैसले से पहले ही आगाह थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि वो इस बात की तहकीकात करें, इस मामले पर आर्मी चीफ, ISI और दीगर इदारों से भी मदद ली जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ पनामा लीक्स के अदालती फैसले से आगाह थे, वो फैसले में असरअंदाज हुए? किस अंदाज में असरअंदाज हुए? फैसला कैसे पहुंचा उन तक? और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कि तो अब इसके ऊपर मेरे ख्याल है कमर बाजवा साहब, आर्मी चीफ, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इस मुल्क में हजार सरदारे हैं बहुत सारे जी, IB को भी ले लें, सबको ले लें, अवाम को इस बात से ये बात जरा समझाएं कि ये फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास कैसे था।